एक बड़ा गोल्डन आइडिया है, आप भी अपने घरों में उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। तपिश में जरूर कमी होगी, बहुत कमी होती है क्योंकि इतनी कोई कॉस्टली नहीं है। मेरे ख्याल ये 2 से 3 हज़ार रुपए की सारी नेट लगी हुई है, कैप्चर किया हो रहा है, बहुत मजबूत कैप्चर है। ये यही वाली बेल पी, यही वही बेल है। हाँ। यहाँ पे दो बेल है एक्चुअली, एक ये बेल है छोटे पत्तों वाली और एक ये बड़े पत्तों वाली, ये तीनों ग्राउंड फ्लोर से। ये देखिए कितने प्यारे तरीके से ये इस तरह घूम 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 के ऊपर जा रही है, बहुत ही खूबसूरत। इस सीजन में ये कंप्लीट कवर कर लेगी और हमें आने वाली गर्मियों में मैश नेट की जरूरत नहीं होगी। 7 सेंटीग्रेड की जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। नेचुरल तरीके से अचीव कर रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल प्यारा लगा। मैं आपको ऊपर से छत से चढ़ के दिखाता हूँ कि किस तरह की लुक बन रही है। सोलर पैनल भी लगाया हुआ है, बिल्कुल नेचुरल ग्रीन मेथड है, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इजी टू मेंटेन, आप अपने घर में इसको कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल जफर, आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। नाज़रीन, इस बार रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है, सारे पिछले रिकॉर्ड टूट गए। मुझे नहीं याद कि मैंने अपने बचपन से लेकर अभी तक इतनी गर्मी कभी एक्सपीरियंस की है। तो आजकल लोग ढूंढ रहे हैं कि कौन सा ऐसा तरीका किया जाए कि छत की तपिश को हम कंट्रोल कर सकें। तो आज मैं आपके लिए ग्रीन नेट सिस्टम लेकर आया हूं कि किस तरह से आप ग्रीन नेट सिस्टम को इस्तेमाल करके अपने घर की छत को ठंडा कर सकते हैं। ना आपको किसी केमिकल की ज़रूरत है, ना आपको किसी मट्टी चौके सिस्टम की ज़रूरत है। सबसे पहले आप देखिए, मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ वो जगह वैसे ही आपको देखने में बड़ी प्यारी प्यारी हरी हरी लग रही होगी, हालांकि ये कोई ग्राउंड फ्लोर नहीं है, ये टॉप फ्लोर है, मतलब रूफ है ये। और यहाँ पर देखें कितने सलीके से माशाल्लाह बागबानी की हुई है, हर तरह का पौधा यहाँ पर आपको नजर आएगा और वो भी हेल्दी, यानी गालिबन शौक है यहाँ पर रहने वालों को गार्डनिंग का, तभी रेगुलरली पानी वगैरह देते हैं और खाद वाद डालते हैं कि अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ग्रीन नेट डाल सकते हैं। यहाँ पर तो इन्होंने पहले ग्रीन नेट डाली हुई थी, अभी हटाई है, क्यों हटाई है वो भी आपको समझाऊंगा, ताकि एक बड़ा गोल्डन आइडिया है, आप भी अपने घरों में उसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कॉमेंट्स में ये बताइए कि आपकी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, माशाल्लाह भी जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर ग्रीन नेट डाली हुई थी, अभी आपने हटाई, सबसे पहले आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी ये। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, असल में ये है कि ये जो बेल आप देख रहे हैं जी, ये हमेशा थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं। अच्छा। और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर से आ रही है, ठीक है। अच्छा। पहले यहाँ सिस्टम ये था कि गर्मियों में हमें यहाँ पे ग्रीन नेट डालना पड़ता था, क्योंकि नीचे पौधे दिन के टाइम गर्मी शदीद थी तो पौधे मुरझा जाते थे। तो उसका हल ये किया फिर हमने लोगों ने, ये पहले स्ट्रक्चर बनाया। अच्छा। ये सिंपल स्ट्रक्चर, इसमें कोई एल शेप का लगा के इसको सपोर्ट दे दी। अच्छा, वेल्डिंग हुई भी है, वेल्डिंग हुई, सिंपल वेल्डिंग है। नहीं तो वेल्डिंग नहीं करना चाहते तो आप इसको वो ठोक भी सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा। किसी भी तरह से आपने ये स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद इसके ऊपर ये नेट जो आप देख रहे हैं, ये वाली, हाँ, अगर इससे भी ज्यादा आपको चौड़े खानों वाली मिले तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा। इतनी कोई कॉस्टली नहीं है, मेरे ख्याल ये 2 से 3 हज़ार रुपए की सारी नेट लगी हुई है। अच्छा, अच्छा। जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 30 फुट है और चौड़ाई इसकी मेरे ख्याल 3 फुट है तकरीबन। अच्छा। ये लगा के इसके ऊपर बेल, अब एक दफा हमने बेल को गाइड किया। अच्छा। नेट के ऊपर उसको चढ़ा दिया है, अब बेल जो है खुद ही इसके, मैं अगर आपको दिखाता हूँ इसके आगे से, इसके आगे से जो बेल के ना मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं जो कि खुद ही उसको ना वो ग्रैब करती रहती है, उसको कैप्चर कर लेती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा सर आपने लेफ्ट साइड पे। अच्छा। ये देखिएगा, ये अब ये ग्रोथ कर रही है, मैंने इसको सिर्फ सिग्नल दे दिया है कि ये ग्रोथ इस साइड पे करेगी। ये आप धागा बांध देते हैं, तार धागा व्हाट एल्स कुछ भी जो इसको इसको हैंडल करने के लिए चाहिए। अच्छा। अब ये देखें, ये जो जो इसने इसको कैप्चर किया हो रहा है, बहुत मजबूत कैप्चर है। ये यही वाली बेल पी, ये यही वही बेल है। हाँ। यहाँ पे दो बेल है एक्चुअली, एक ये बेल है छोटे पत्तों वाली और एक ये बड़े पत्तों वाली, ये तीनों ग्राउंड फ्लोर से आ रही है। इस बेल को क्या कहते हैं कुछ पता नहीं इसका। अच्छा, मुझे नाम है। हाँ, इसमें व्हाइट फूल लगते छोटे, ये देखिए इसका जेनेरिक नेम मुझे पता नहीं है, सॉरी। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो स्क्रीनशॉट्स लेके या वीडियो अपने गार्डनर को दिखा के तो आप खरीद सकते हैं नर्सरी से जाके। अच्छा, ये नीचे से चली आ रही है और इसको क्या, ये बहुत ज्यादा पानी पीती है रेगुलर? नहीं नहीं नहीं, रेगुलर, अब तो ये इतनी मेच्योर हो चुकी है कि अब मेरे ख्याल 2 हफ्तों में पानी इसको बाहर देते हैं। लेकिन इसके लिए ये कि ये पॉट वाला प्लांट नहीं है, ये पॉट वाली बेल नहीं है। अच्छा। ये जमीन में लगेगी तो उसको ग्रोथ ज्यादा होगी, हर तरफ इसकी, हाँ, ग्रोथ ज्यादा होगी। तो अब ये सिलसिला कि ये अब इस सीजन में इंशाल्लाह, ये पिछले सीजन में लगाया और अभी आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है। इस सीजन में ये कंप्लीट कवर कर लेगी और हमें आने वाली गर्मियों में मैश नेट की जरूरत नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले आपने मैश नेट लगाई हुई जी, मैश नेट लगाई और अभी आपने वो इसी वजह से उतार दी क्योंकि बेल खुद, हाँ, खुद कवर कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही। इससे तो खूबसूरती में भी बहुत इजाफा हो जाएगा और तपिश में जरूर कमी होगी, बहुत कमी होती है क्योंकि तपिश पड़ेगी तो ऐसे ही। अब हमारा इससे डाउन फ्लोर जो है वो इसमें तकरीबन 5 से 7 सेंटीग्रेड की जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये भी बहुत है, बहुत फर्क है, 5 से 7, बिल्कुल ऐसे ही है। नेचुरल
प्रोफेशनल तरीके से अचीव कर रहे हैं तो बहुत ही जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। लगा किस बेल को लगे हुए 4 साल हो गए? अच्छा, इसको 4 साल लगे हुए, मतलब आप कह रहे हैं 2 साल में ये जमीन से पूरा अपना, ये देखिए कितने प्यारे तरीके से ये इस तरह घूम 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 के ऊपर जा रही है, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको ऊपर से छत से चढ़ के दिखाता हूँ कि किस तरह की लुक बन रही है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए सोलर पैनल भी लगाया हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत, ये पूरा इस तरह आपका नेट बन जाएगा और ये बेल आपकी कवर कर लेगी। और ये दिखा रहे हैं कि साथ वाले घर की तरफ अभी इन्होंने गाइड की हुई है, वो देखें, वो देखें, वो जा रही है उधर से, ये साथ वाले घर की तरफ चली जाएगी। और हार्डली 2 साल के अरसे में ये इतनी ग्रो कर गई है, बिल्कुल नेचुरल ग्रीन मेथड है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इजी टू मेंटेन, आप अपने घर में इसको कर सकते हैं। बस ये बेल कौन सी है इसका नाम पता कर लीजिएगा, अगर मुझे मिल गया तो मैं नीचे कमेंट में डालकर उसको पिन कर दूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा, वो नीचे कमेंट में डालकर उसको पिन कर दूंगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। ये देखें व्यूअर्स, अभी ये जब तैयार हो जाएगी ऊपर तक तो फिर नीचे इसके आर्टिफिशियल ग्रास कारपेट डाल देंगे, पूरा ग्रीन एरिया हो जाएगा ये। देखें व्यूअर्स, ये इन्होंने मेथी का पौधा लगाया हुआ है और इसकी इतनी खूबसूरत खुशबू है ना, आप यहीं से मेथी खाते हैं दिखाएं कैसी खुशबू है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। ओए होए, ये देखें, ये इसका पत्ता है और इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू है इसकी, बहुत जबरदस्त जबरदस्त। ये लगा हुआ कड़ी पत्ता। अच्छा, जो ये कड़ी पत्ता है, हाँ, तड़के वगैरह के लिए यूज होता है ना ये। अच्छा 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 अच्छा, और वो लेमन ग्रास लगा हुआ है ये वाला। अच्छा अच्छा, हाँ, ब्यूटीफुल। यार ये वाला कौन सा होता है, इस पे बड़े प्यारे लाल लाल फूल आते हैं। इसका मुझे नहीं, इसका नाम नहीं पता, हालांकि इसको मैंने बहुत ज्यादा डिवाइड कर लिए। हाँ। कहना चाहिए था इससे, मतलब मैंने मेरे खुद 15 से ज्यादा पौधे बना चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एक से ही बन जाते हैं, बस काट के दूसरी जगह लगा देना। कहाँ से काटना होता है इसको? कहीं से भी काट लें, यहाँ से काट लें और इसको लगा दें। अच्छा, कई पौधे होते हैं। अब ये देखें, ये पौधा ये भी डिवाइड हो जाता है, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, देखें। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन इसके लिए इसके साथ रूट होना भी जरूरी है। इसको जो जब मूनसून का मौसम आएगा जिसमें नमी होती है तो उसको निकालेंगे, रूट बाउल होता है नीचे, उसमें से डिवाइड करेंगे। अच्छा अच्छा, उसके समय हाँ। और कई होते हैं जो बगैर उसके चले जाते हैं, बगैर रूट के भी चल जाते हैं, जैसे ये। हाँ, जैसे ये। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, ये मैं ऊपर से नीचे भी टेरेस में आया हूँ तो यही वाली बेल यहाँ पर जरा सी आई तो ये सूख गई, क्योंकि यहाँ पर इसको सूरज नहीं मिला, रोशनी नहीं मिली। लेकिन इसको मतलब के सूरज की बिल्कुल फुल रोशनी चाहिए होती है, तब ये हेल्दी ग्रो करती है। अच्छा, आपने हैंडमेड क्या बनाया है? ये कैसे? ये बैम्बू, बैम्बू शूट्स में। अच्छा, बीच में मट्टी भर के बैम्बू कहाँ से लाए? ये बैम्बू तो मार्केट से मिल जाएगा, मेहनत खासी है। अच्छा हाँ, जरूर। ये है, उसके बाद ये हैंडमेड है, उसके बाद ये देखिए सारे हैंडमेड, ये ऊपर जो आप प्लांट देख रहे थे ना, ये उसी के हैंडमेड, उसी की शूट्स लगे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ब्यूटीफुल। आपने कुछ चिड़ियों के घोंसले भी बनाए हुए हैं? हाँ, वो नीचे है, उसमें आती है चिड़िया, हाँ, अक्सर बैठी रहती है। वो दिखाएं, वो नीचे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये देखिए, ये चिड़ियों के घोंसले भी लगाए हुए हैं नीचे टेरेस में, और इसमें आकर परिंदे अपने घोंसले बना सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये दोनों बेलें यहाँ से स्टार्ट, ये स्टार्ट हो रही है बेल, ये देखें, और ये वो ऊपर जा रही है, पूरा घर का फ्रंट भी बन गया एक ही बेल के साथ। आप देखें कितना प्यारा, और साइड पे भी बड़े प्यारे पौधे लगे हुए हैं, ये देखें। अब ये जो है ना, ये साइड पे 2 दस्त लगे हुए हैं, इसकी वजह से नीचे वाला टेम्परेचर इतना ठंडा है कि नीचे वाले में कमरे में, दोनों कमरों में एसी लगा लेकिन कभी ऑन नहीं हुआ। अच्छा जी, खाली ये दरख्त लगाने के लिए, वो शेड ही रहता है, बिल्कुल इस तरफ लाइट नहीं पड़ती अंदर कमरे में। जबरदस्त,
ये दरख्त भी जल्दी ग्रो कर जाता है। ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसे मेंटेनेंस नहीं चाहिए होती है जी, बस जी। अब जब से लगे मेरे ख्याल नहीं कभी पानी नहीं दिया जाता। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में माशाल्लाह जरूर लिखिएगा। चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और बाकी जो मैंने रूफ वाटर प्रूफिंग एंड हीट इंसुलेशन की ट्रीटमेंट्स की वीडियोज बनाई उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अल्लाह कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए।